दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे से सफ़र कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब कहीं आप यात्रा करने वाले हैं या कर रहे हैं तो कहीं आप भी परेशान ना हो जाएं, और साथ में आप अपने दोस्तों को भी बताएं जो यात्रा करने वाले हैं या कर रहे हैं, ताकि वह भी सावधान हो जाएं और उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रेलवे मंत्रालय ने शनिवार रात 12 बजे से लेकर रविवार रात 10 बजे के बीच देश में रेल यातायात को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। जो ट्रेन रास्ते में चल रही है उस ट्रेनों को रास्ते के स्टेशन पर रोक लिया जाएगा और यात्रियों को वेटिंग रूम में रखा जाएगा, और साथ में ही मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में लोकल ट्रेनों का संचालन अत्यंत सीमित रहेगा। रेल मंत्रालय की ओर से सभी महाप्रबंधकों को जारी निर्देश के अनुसार 21 और 22 मार्च को कोई भी जोन अपने यहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि देश भर में रोजाना चलने वाली 2400 पैसेंजर ट्रेन तथा 1300 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी, और इन ट्रेनों के लिए की गई बुकिंग रद्द मानी जाएगी। कोई टिकट बुक कर चुका है तो उसका पूरा पैसा यात्री को रिफंड किया जाएगा। दोस्तों अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको अपना खान पान का व्यवस्था जरूर करना है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार यात्रियों को खाना पानी और ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराने के लिए केवल 22 मार्च रात 10 बजे तक खुली रहेगी, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी कैटरिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं होगी। अगर किसी यात्री को चाय, कॉफ़ी या पॉकेट बंद आइटम की आवश्यकता है तो वह उपलब्ध रहेगा। तो यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है, ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें और कोरोना जैसे वायरस से बचें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे संबंधित जानकारी हो जाए। दोस्तों यह जानकारी जागरण पेपर से लिया गया है, और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।